हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम ऑल टू सेशन ऑफ स्टॉकर्स अर्न चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कैसा सकता है इट अ बजट डे काफ़ी स्पेशल डे है तो लेट्स स्टार्ट अगर हम पहले निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर एक मोमेंटम तो आना ही आना है और अगर वो मोमेंटम आता है तो इट कैन बी ऑफ अपसाइड एंड डाउन साइड एंड ऑलरेडी एक स्ट्रेडल मैं बना चुका हूँ आप बजट डे की वीडियो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वीडियो है और एनालाइज की बात करूँ तो अगर बैंक निफ्टी तो अगर बैंक निफ्टी ये जोन आज के दिन में बहुत क्रूशल है एंड ई एम ए टू हंड्रेड इसके बहुत ही करीब है तो हम क्या कर सकते हैं अगर ये ई एम ए फिफ्टी से सपोर्ट लेके इस जोन को ब्रेक करता है तो कल डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे एट द मनी फॉर श्योर बट टू इज अ बजट डे ध्यान रखिएगा ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए ऑन अ वट वन साइड बिकॉज ये क्या कर सकता है ये ऊपर की तरफ तो जाएगा बट वी डोंट नो एट वट पॉइंट इट फेल डाउन और अगर ये फेल डाउन हुआ तो आप एक ही दिन में अपनी पूरी की पूरी प्रॉफिट वाइप आउट कर सकते हो बजट डे जिनको ट्रेड करना आता है उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है पर जिनको नहीं आता इट इज लाइक अ प्लेइंग विद द फायर आप एक ही दिन में अपना अकाउंट ब्लो कर सकते हो सो वी विल इग्नोर इट वट यू कैन डू स्टिल देर इज अ चांस एट नाइन सिक्सटीन जस्ट मेड अ स्ट्रैडल स्ट्रैडल ऑफ एट द मनी नो ओ टी एम no itm if you don't know these terms stay away from nifty and bank nifty tomorrow this will be my biggest suggestion just watch the market and please your eyes don't trade here so हम um, trade कैसे कर सकते हैं अगर ये इसको break करता है तो we can buy with a very low quantity और अगर ये इसको sell off करता है इस zone के पास आता है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और डेफिनेटली ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा सत्रह हजार एक सौ साठ और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा सत्रह हजार एक सौ नॉट मोर देन डेट मोमेंटम आ सकता है नो no डाउट आज भी मोमेंटम आया है गैप अप खुला नीचे आया ऊपर गया होल्ड किया नीचे आया एंड एंड ऑफ द डे एम पैटर्न बना के ये उसी जोन के पास आ चुका है सो ट्रेड विद वेरी क्वान्टिटी तो ये निफ्टी फिफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये तो हो गया अगले निफ्टी बैंक पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ वीडियो में जुड़े रहें एंड में इक्विटी में लेके हम कल बजट डे पे इक्विटी विद वेरी लो कैपिटल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये मैं आपको एंड में बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहें सो so, बैंक निफ्टी हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी ए काइंड ऑफ चैनल बना रहा है देर आर टू ट्रेडलाइंस एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ अगर ये इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और इस जोन को ब्रेक करता है साथ में जोन है अड़तीस हजार तीन सौ का अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम ये वाला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड पॉइंट्स ऑन द बजट डे इज नॉट सो यू नो इट इज़ वेरी ईजी एट डेट बहुत ही आसान रहेगा और अगर ये होल्ड करके इस लाइन और इस जोन को ब्रेक करता है विद अ पावर कैंडल ये ई एम ए टू हंड्रेड कहीं ना कहीं इसके पास आ जाएगी तो हमें थ्री कन्फर्मेशंस मिलेंगी सेलिंग की तरफ डेफिनेटली इस जोन के बाद ये हमारा छोटा सा टारगेट रहेगा ये सेकेंड टारगेट रहेगा सेंसिस आर राउंड नंबर है इसको ध्यान से ट्रेड करिएगा और सेम थिंग स्टेडल बनाना है तो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में बनाएगा एट द मनी सैतीस हज़ार नौ सौ पचहत्तर फोर श्योर सैंतीस हज़ार नौ सौ पचहत्तर है तो आप अड़तीस हज़ार का स्ट्रेडल बना सकते थे एट द मनी मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड ले चुका हूँ अगर मैं आपको दिखाऊँ आई विल नॉट गोइंग टू शो यू द क्वान्टिटी फॉर श्योर ये ब्लर हो जाएगी बट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अड़तीस हज़ार का पी ई और अड़तीस हज़ार का सी ई विथ अ वेरी बिग क्वान्टिटी मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी मैं डिस्क्लोज करूँगा मे बी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल दिखते हैं डिपेंड्स अपॉन माई मूड बट आई ऑलरेडी इन टू माई पोजिशन एंड एट नाइन सिक्सटीन मैं इसको और बाय करूँगा एंड इलेवन फोर्टी फाइव टू ट्वेल्व जब बजट अनाउंस हो रहा होगा मैं क्वान्टिट्टी और बढ़ाऊँगा बट याद रखिएगा सी और पी एक साथ बाय करना और एक साथ एक्सिट करना है और ये ऐसे होने चाहिए सात सौ चौदह का ये चल रहा है सात सौ एक का चाहिए चल रहा है बहुत आस पास है बजट डे की वीडियो पर मैंने यही बताया था बहुत आस पास है और आस पास ही होने चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छः सौ चल रहा है और एक सात सौ चल रहा है और आप बाइंग कर रहे हैं वो आपको लॉस देगा और अगर आप बजट डे की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये बजट डे की वीडियो है बहुत ही अच्छी वीडियो है अभी भी टाइम है आप देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं सो so, अगर अगर हम सुपर सेटअप्स की बात करें तो सुपर सेटअप्स पहला है पीवीआर मैंने आज के दिन भी दिया था ये इस जोन को बहुत बार रिस्पेक्ट कर रहा है मैंने ऑलरेडी बताया था और आज भी यही हुआ ये नीचे गया ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया नीचे जाके ये फिर से इसी जोन के करीब क्लोजिंग दे चुका है और ये ट्रेंड लाइन बहुत ही देर से इसको सपोर्ट कर रही है इसको ट्रेंड लाइन को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान रहेगा ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है पहला टारगेट दूसरा टारगेट अगर इस ट्रेंड लाइन और इस जोन को पहले ब्रेक करता है और ई एम पास आ जाएगी दोनों को अगर साथ में ब्रेक करता है तो ट्रेंड लाइन का टारगेट ले लेना और अगर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है पंद्रह सौ रुपए पहला टारगेट रहेगा और पंद्रह रुपए दूसरा टारगेट रहेगा चौदह भी टारगेट बन सकता है कल के दिन बहुत बड़ा टारगेट है बट अगर सिनेमा के लिए कुछ गलत न्यूज आई तो डेफिनेटली ये इतना फॉल कर सकता है चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं अगला स्टॉक है आई टी इस जोन को बहुत ही देर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऊपर आया रेजिस्टेंस लिया फॉल किया ऊपर आया रेजिस्टेंस लिया फॉल किया अब अ काइंड ऑफ फ्लैक एंड पोल को ब्रेक करके हायर आई एंड हायर लो बना रहे हैं और अगेन उसी जोन के करीब आके ये रुक गया है तंबाकू कंपनी है होटल्स हैं कल कुछ भी हो सकता है तो अगर बजट आई के लिए अच्छा हुआ और इस जोन को ब्रेक करता है 222 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 224 हमारा सेकंड टारगेट डेफिनेटली रहेगा और अगर तम्बाकू पे टैक्स बढ़ता है ये अगेन इस जोन में आएगा और ये बहुत तेज़ी से गिरेगा इस जोन के नीचे आते ही ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ तो दो सौ उन्नीस को ब्रेक करते ही ये दो सौ सत्रह और सर टारगेट दो सौ पंद्रह डेफिनेटली आ सकता है कीपन आई नई आईटीसी बहुत अच्छे लेवल पे है अगला स्टॉक एच एचडीएफसी बैंक एच बैंक अपने ई एम टू हंड्रेड पे आके बहुत ही अच्छे लेवल पे इसको रिस्पेक्ट करते हुए एक छोटा सा जोन बनाया है और ई एम भी कल इसके आसपास डेफिनेटली आ जाएगी तो ई एम अगर 200 को ये ब्रेक करता है डेफिनेटली इट विल बी अ गुड मोमेंटम अगर बैंक निफ्टी इसके साथ ही ब्रेक कर रहा होगा तो पंद्रह सौ हमारा टारगेट बड़े ईजिली बन सकता है और नीचे की तरफ अगर बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर के लिए बजट डे कॉफ़ी अच्छा नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये इसको ई एम को ब्रेक करेगा पहला टारगेट चौदह सौ साठ रुपये और दूसरा टारगेट चौदह सौ पैंतीस रुपये तो डेफिनेटली हम बना सकते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं एन आई सो अगला स्टॉक है कोटक बैंक कोटक बैंक बहुत ही अच्छे लेवल पे है इस जोन को बहुत ही देर से ये रिस्पेक्ट कर रहा है ऊपर तो गया इस जोन को ब्रेक किया इट वॉज अ फॉल्स ब्रेकआउट और अगेन इस जोन को हॉल्ट कर रहा है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में कल मोमेंटम बहुत अच्छे लेवल पर आ सकता है अगर ये कल इसको ब्रेक करता है और अपने ई दोनों ई को ये ब्रेक करेगा दैट इज़ कन्फर्म तो अठारह को ब्रेक करते ही हम 1900 राउंड लेवल है ये एक टारगेट ले सकते हैं सेकंड टारगेट हमारा डेफिनेटली बहुत बड़ा है बट हाँ उन्नीस सौ डेफिनेटली ये वाला टारगेट हम ले सकते हैं और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और ये वाला जोन ध्यान रखना अगर ये जोन से पिक करना शुरू करता है तो इसी जोन को ट्रैक करते ये हमारा छोटा सा टारगेट रहेगा सेकंड टारगेट ये थर्ड टारगेट ये रहेगा और अगर ये इसको ब्रेक करता है अठारह हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और अठारह सौ दस हमारा सेकंड टारगेट रहेगा ये यहाँ तक भी आ सकता है सत्रह रुपए कुछ भी हो सकता है कल बहुत ही अच्छे लेवल पे है चलिए स्ट्रेटजी की बात करता हूँ मैं कौन से स्ट्रेटजी आपको बता रहा था हम क्या और कैसे ट्रेड कर सकते हैं सो एच डी बैंक चौदह सौ पचासी रुपए पे है तो इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम ना इसका स्ट्रेडल बना सकते हैं एच डी एफ सी बैंक चौदह सौ नब्बे का पी ई और एच डी एफ सी बैंक चौदह सौ नब्बे का सी ई अगर हम देखें परफेक्ट द मनी मैंने लिया और ये बहुत ही पास पास है तो इसको मैं ट्रेड कैसे करूं पास पास तो है तो चलिए देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है चौदह सौ नब्बे पी ई एंड चौदह सौ नब्बे सी ई बहुत ही आसपास हैं हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये एट द मनी बन रहा है और अगर हम इसको सेम लेवल पे नौ सोलह पे जैसे बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी थी इसी तरह अगर इसको नौ सोलह पे हम बाय करते हैं दोनों को तो ग्यारह बजे के आसपास एक मोमेंटम आएगा और उस मोमेंटम को कैच करते हुए आप दस से बीस हज़ार के प्रॉफिट पे एक लॉट को निकाल सकते हैं यस yes, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट रहेगी कोई फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ फोर्टी फाइव थाउजेंड के ऊपर आप मिनिमम टेन के तो बना ही लेंगे और अगर टेन के नहीं बन पाया अगर ये मोमेंटम नहीं आया साइडवेज और थोड़ा सा अपसाइड और डाउनसाइड गया तो आपको डेफिनेटली थ्री के तो ये मिलेगा क्योंकि वेडनेसडे ठीटा डीके तो नहीं होगा इतना टाइम वैल्यू डेफिनेटली इतना इफेक्ट नहीं करेगी और अगर आपको लॉस होगा तो लॉस भी मैक्सिमम थ्री के का ही होगा इससे ज़्यादा नहीं होगा अगर थ्री के पे आता है और मैक्स अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है वन इजू तो टू आएगा फाइव के का लॉस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फाइव के जब भी भी आपको दिखता है तो आप एक्सिट करिए पोजीशन और जब भी भी आपको टेन के आपके पोर्टफोलियो में दिखता है होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है डर लगता है तो डेफिनेटली दस के पे इसको एक्सिट कर दीजिए डेट सल्व फोडेगा